देखिए, मुख्यतः दो तरह के निर्णय लिए गए हैं। एक निर्णय तो राजनीतिक है जी, और राजनीतिक ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जी, इन तीन राज्यों में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और सितंबर में उसकी शायद घोषणा भी हो जाएगी जी। तो इन तीनों स्टेट में हम अपने जो संगठन को है उसको गल्वनाइज कर रहे हैं, उसको मतलब उसका सघन वो कर रहे हैं, और उसके बाद हम वहाँ पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि जो भाजपा के जो विरुद्ध वोट है वो बटे नहीं जी। तो अगर सम्मानजनक कोई समझौता वहाँ पे हो गया तो हम कांग्रेस और जो भी मिलती जुलती पार्टियाँ जो भाजपा को हराने में लगी हुई हैं हम उनके साथ मिल के लड़ेंगे। अगर सम्मानजनक कोई समझौता नहीं हुआ तो हम अलग से भी लड़ेंगे। लेकिन अनिल जी, आप कह रहे हैं सम्मानजनक हमारा जो एक गठबंधन होता तो ठीक है, लेकिन सम्मानजनक आप एक जगह बैठ के करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आपको विरोध में दिखाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी LJD को या बहुजन समाज से जो संबंधित पार्टी उनको नहीं दिखाती है। देखिए, ऐसा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है जी, तो समझदारी सभी पार्टियों को दिखानी पड़ेगी। और पिछले हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं जो कर्नाटक में हैं या और है, उससे सब पार्टियों ने सबक लिया है कि अलग अलग लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, नंबर एक बात। और हम इस समय बात ये भी नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है, राजनीतिक अस्तित्व खत्म होगा वो तो एक बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब हमें संविधान दे के गए हैं, जिस संविधान के दम पे पिछले 70 साल से भारत ने तरक्की की है, इससे पहले भारत बहुत पीछे था हर क्षेत्र में, जो तरक्की हुई है वो पिछले साल 70 साल में हुई है क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया है कि इस देश के 100 करोड़ मतलब 100% लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। हाँ, वो नहीं मान रही है, इसीलिए बहुजन एक हो रहा है, मनवा के रहेंगे, कैसे नहीं मानेंगे इन लोगों ने जो सत्ता चुनाव होता कहीं EVM वहाँ मशीन लगाई जा रही है, EVM के तहत वो जीत कर आ रहे हैं। अभी करेना का इलेक्शन देख लीजिएगा आप, उसमें 172 मशीनें खराब पाई गई। 172 मशीनें ना केवल खराब पाई गई, 172 मशीनें उन पोलिंग बूथ की खराब पाई गई जिसपे बहुजन का वोट था, जिसपे दलित का वोट था, जिसपे मुस्लिम का वोट था, जो भाजपा के खिलाफ जा रहा था, सिर्फ उसी क्षेत्र की खराब पाई गई। तो लेकिन ये है कि तो लड़ाई है, हर मोर्चे पे लड़नी पड़ेगी और हर मोर्चे पे हम लड़ेंगे। लेकिन ये बहुजन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं या दलित समाज के, दलित में भी 6000 जातियां हैं, हाँ, उनको भगवान की तरफ जोड़ा जा रहा है इस समय। अब चुनाव से पहले उनको यज्ञ कराए जाएंगे, उनको भंडारा खिलाया जाएगा और चुनाव के बाद में उन्हीं लोगों को एक जूती में पिसाब पिलाया जाएगा, भंडारे के नाम पर उन पर पिटाई होगी। तो उससे पहले तो सारे षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये सारी चीज़ ये पिछले 2000 सालों से ऐसा करते चले आ रहे हैं जी, के कहने को हिंदू बना देते हैं, लेकिन इनका जो हिंदू धर्म का मतलब है वो है ब्राह्मणवाद, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है और उसका आदेश हर एक को मानना पड़ेगा, और नीचे उन्होंने पायदार जो बना रखे सीढ़ी दर सीढ़ी व्यवस्था। इस हिंदूवाद को आज के टाइम में जो आज का नौजवान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा फूले ने जागृत कर दिया है, वो इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस देश में हर तरह का इंकलाब हो सकता है, अगर इस संविधान के साथ जरा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो लड़ाई उस हद तक जाएगी जिसके बारे में ये अभी सोच भी नहीं सकते। नहीं, आप कह रहे हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये बहुत हद तक जाएंगे। एक एक कवच था बहुजन का, एट्रोसिटी वाला मामला या रिजर्वेशन में प्रमोशन वाला मैटर था, वो संविधान को टच नहीं करी, संविधान के अंदर जो लिखित धारा है उनको चेंज कर रहे हैं। अभी जो आपके कानून मंत्री हैं रविशंकर जी, वो एक संविधान की कॉपी दिखा रहे थे कि जो सत्य में जो ओरिजिनल ये है उसमें अर्जुन की व्याख्या खा रहे हैं और भीम की जो महाभारत वाला भीम है उसकी वो दे रहे हैं। देखिए, वो जो भी इन्होंने छेड़छाड़ की है अभी, क्योंकि बाबा साहब ने एक व्यवस्था बनाई थी हमारे लिए कि हम जो भी बदलाव लाएंगे वोट के द्वारा लाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो, संविधान उनके हाथ में हमेशा था, हम संविधान के माध्यम से उस बदलाव को लाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है, जो SC ST एक्ट पे इन्होंने कुठाराघात किया है, जो उसको नख दंत विहीन, उसमें जो टीथ थे, जो उसके नेल्स थे, उनको तोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ एक तरीके से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और मेरा मानना यह है कि उसमें अवश्य हम जीतेंगे। अनिल जी, आपको LJD की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, हाँ, जो मीडिया को आपको देखना है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका साथ नहीं देगा, आपके पास नहीं देगा, पैसा नहीं है। हाँ, पैसा भी नहीं है। और सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखिए, लाइक करेंगे? कोबरा पोस्ट ने जी अभी जो भी चीज़ें अपने सब, अब तो सार्वजनिक हो गई हैं,
किस तरह से बिकाऊ मीडिया है, और लगभग 90% मीडिया को उसने बिल्कुल नंगा करके रख दिया है, कोबरा पोस्ट का जो भी अभी आया है। तो हमें तो इस चीज़ को पहले से ही पता था, लेकिन अब आम जनता भी इस चीज़ को जानना शुरू हो गई है। और हमें आप जैसे लोगों की, जैसे आपका ये चैनल है SM न्यूज़, इस तरह के चैनल के हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। क्योंकि आप समझिए, अभी कल के अखबार में एक फुल पेज आर्टिकल आया है आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर, और उन्होंने दिखाया है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, हिंदुस्तान टाइम्स ने फुल पेज एक आर्टिकल दिया है कि कैसे जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनको दरकिनार कर रहा है मेनस्ट्रीम मीडिया। तो उन्होंने अपना एक वाया मीडिया ढूंढ लिया है और वो गांव के एक एक आदमी तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। और बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया के दिन लग चुके हैं, जो भविष्य है वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है ये लैपटॉप है, इस मीडिया का दिन खत्म हो रहे हैं। और अब दिन पर दिन ये तो जैसे डायनासोर्स खत्म हो गया था, अब देखना है बहुत जल्दी ये मेनस्ट्रीम मीडिया खत्म होने वाला है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रहेगी।